हाँ रोहन, हाँ मैं ठीक 10 बजे तुमसे मिलूंगी। और सुनो, तुम्हें पता मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। कांसी टू वेट यू, बाय। माँ 9 बज गए, अंजलि अभी तक नहीं उठी है। अरे उठ गई है, वो रोहन से मिलने जाना है ना, इसलिए मैडम जी तैयार हो रही हैं। लो आ गई। माँ मुझे नाश्ता करने को बिल्कुल नहीं कहना। हाँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, रोहन मेरा वेट कर रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे अंजलि कुछ तो खा लो भाभी। अच्छा एक काम करो, जूस पी लो। भाभी प्यार से पिला रही है, पी लेना थोड़ा। बस 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 बस, गुड गर्ल। बस हो गया, अब और कुछ नहीं। बाय 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 बाय, ध्यान से जाना। हाँ ओके बाय। अंजलि ने तो अपने लिए लड़का चुन लिया है, पर आशीष को रोहन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। अब अंजलि ने लड़का पसंद किया है तो लड़के में कुछ तो खास बात होगी। आई मीन अंजलि ने लड़का पसंद किया है। वो तो है, लड़का बहुत अच्छे घर का है, काफी जमीन जायदाद और काफी पढ़ा लिखा भी है। पता नहीं आशीष को क्या प्रॉब्लम है। माँ आप ना आशीष की चिंता मत करो, कि आप देखना अभी आएंगे ना, मैंने समझाऊंगी, इनसे बात करूंगी और देखना मान जाएंगे। ठीक है बेटा। माँ मैं निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी लेट हो जाऊंगी, बाद में। अरे बहन जी आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ हाँ अच्छा बहन जी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अरे अंजलि ये सब क्या है? खड़ी खड़ी यही सारी बातें पूछ लोगी या अंदर भी चलोगी? हाँ तो ये जो सारे गिफ्ट्स है ना, तुम्हारे होने वाले दामाद ने दिए। अच्छा लेकर जाओगी? ये देखो ये देखो, ये है तुम्हारे लिए, स्पेशली पैक कराया है, और बाकी के जो दोनों हैं वो भैया भाभी के हैं। सच में तूने बहुत अच्छा लड़का चुना है। वो तो है, आखिर पसंद किसकी है? तेरी मेरे बच्चे और किसकी? अच्छा तो ऐसी बात है। अंजलि बेटा दरवाजा खोल तो। माँ आज बहुत काम था कॉलेज में इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा माँ आज आशीष को भी आने में देरी हो गई। चल ठीक है तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। आशीष तुम इतने दिनों तक घर से बाहर रहते हो, तुमने मेरे बारे में सोचा भी है? तुम्हें ख्याल है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीती हूँ? आशीष तुम्हें पता है हम हनीमून तक पे नहीं गए। देखो अभी इन बातों का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। माँ भी अभी सो रही है और मुझे भी अभी निकलना है। मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि माँ को समझा देना मैं अंजलि और रोहन के रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अंजलि के लिए लड़का देख रखा है और वो मेरी ही ऑफिस में काम करता है। लेकिन आशीष मैं यार कुछ नहीं सुनना मुझे, अगर ये रिश्ता तय हुआ तो समझ लेना कि मैं अंजलि की शादी में शामिल नहीं होऊंगा।
खुश रहे बेटा। अरे भाभी आपको पता है आपको फंक्शन में चलना चाहिए था। सीरियसली खाना इतना टेस्टी था आपको क्या बताऊं। और सबसे मजेदार तो मिश्रा जी की वाइफ ने क्या डांस किया है, मजा ही आ गया। और उनके गहने और क्या भाभी। क्या हुआ आप इतनी उदास क्यों? भाभी आपका बर्थडे है आज। मां 3 हफ्ते हो गए उनका कुछ पता नहीं। मैं उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ, कितने कॉल्स ट्राई किए लेकिन कहाँ गायब है। इनफैक्ट मैंने इनके कोलिग्स को भी ट्राई किया, सब वापस आ गए। ये कहाँ रह गए हैं माँ? आप चिंता मत करो, मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ। अब स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे हाँ बेटा, वो जरूर विपासना पे गया होगा, शादी से पहले भी बहुत बार जाता था। विपासना? ये क्या है? भाभी विपासना एक तरह का मेडिटेशन है जिसमें लोग समाज दुनिया से परे इस मोह माया से दूर एकांत में बैठकर ध्यान लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से भैया का फोन बंद आ रहा होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ बेटा तो चिंता मत कर, आ जाएगा वो। हाँ अच्छा ठीक है, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं एक बढ़िया सी अच्छी वाली चाय बना खिलाती हूँ, बैठे। चल बेटा। शिल्पी बेटा, बेटा तू आशीष के बॉस को फोन करके पता करना कि आशीष के बारे में कुछ पता चला क्या। माँ पिछले 6 महीनों में हमने न जाने कितने चक्कर काट लिए हैं पुलिस स्टेशन के। ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है जिससे हम नहीं मिले होंगे आशीष के लिए। पर आप कह रहे हो कि बॉस से बात कर लो। माँ मैंने उन्हें कम से कम 1000 फोन्स किए हैं, 1000, और पिछले 6 महीने में एक ही जवाब दे दे के वो भी थक गए। हाँ, आप ये बात मान लो कि आशीष वापस आने वाले नहीं है। अगर वो विपासना के लिए गए होते ना तो 1-2 महीने में आ जाते। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं माँ, 6 महीने। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, होती ना तो आ जाते। बल्कि मैं तो भूल गई हूं उन्हें। भगवान पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहा है इस परिवार की। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए रोहन से भी अच्छा और बड़े घर का लड़का ढूंढूंगी। हाँ और तू कैसे लड़के के लिए रो रही है जो तेरे साथ संबंध होते हुए भी गैर औरतों के साथ रिश्ता रखता था। हाँ आप सही कह रहे हो माँ, शायद आशीष को रोहन की करतूतों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए तो उस रिश्ते के खिलाफ था। अंजलि अब तुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, यही सही मौका है, अपने करियर पे पूरा फोकस कर। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ भाभी सही कह रहे हो। मैं सोच रही थी कि मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ट्यूशन्स लेने पड़ेंगे। हाँ तो है ना एक एक्सपीरियंस टीचर मेरे कॉलेज में और वो ट्यूशन्स भी देते हैं, मैं बात करती हूँ। हाँ पर बेटा तू भी तो कॉलेज पढ़ाती है ना, तो तू क्यों नहीं पढ़ा देती इसे? माँ मैं कॉलेज में पढ़ाती नहीं हूँ, क्लरिकल वर्क देखती हूँ, लेकिन मैं वो टीचर से बात करती हूँ और उन्हें अपने घर पर भेज देती हूँ। आप दोनों उनसे मिल लेना और अगर आपको अच्छा लगे, मतलब समझ में आए, तो ट्यूशन शुरू कर देना। और अच्छी बात पता है क्या है, वो घर पे आके ही पढ़ा देंगे, किसी को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अंजलि मेरी आंखों के सामने पढ़ेगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। ठीक है माँ तो मैं निकलती हूँ और उनसे बात भी करनी है ना। ठीक है आज ही भेज देना। हाँ। हम लोग आज ही मिल लेंगे उनसे। ठीक है स्माइल। बाय। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।